बुरहानपुर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्ति निर्माण पर हाईकोर्ट का प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन शहर में मूर्तिकार धड़ल्ले से पीओपी से प्रतिमा बनाकर नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हर साल प्रशासन पीओपी से मूर्ति निर्माण पर रोक लगाता है, लेकिन इसका बुरहानपुर के मूर्तिकारों पर कोई असर नहीं दिखाई देता। इस बार फिर ताप्ती नदी में पीओपी से प्रदूषण फैलेगा, इसके लिए जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। वहीं एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिला प्रशासन को पीओपी की मूर्तियों पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। बावजूद मूर्तिकार बेखौफ होकर 10 से 25 फीट की मूर्तियां बनाने में अभी से जुट गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जहां हर साल बुरहानपुर कलेक्टर अपने अधीनस्थ अधिकारियों एसडीएम तहसीलदार को पीओपी की मूर्तियों पर रोक लगाने के आदेश जारी करते हैं, लेकिन ये आदेश तब जारी होते हैं जब ये मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप दे चुके होते हैं। हालांकि इस साल मार्च महीने में ही मूर्तिकारों की बैठक बुलाई गई थी और उसमें प्रतिबंध की चर्चा की गई थी। वहीं मूर्तिकार भी अभी से मूर्तियों के निर्माण कार्य में जुट चुके हैं, जो कि बड़ी बड़ी पीओपी की मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, जबकि एनजीटी के साफ निर्देश हैं कि पीओपी की मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं जब हमारी टीम सबसे पहले वैद्य एंड सन्स के यहाँ पहुँची, जहाँ 10 से 25 फीट की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें हजारों पीओपी की बोरियां लग चुकी हैं, और जब इनसे चर्चा की गई, तो उनका कहना है कि 16 फीट से 18 फीट की मूर्तियां बन रही हैं। इतनी बड़ी विशाल संख्या में और ऊंचाई में मूर्तियां थीं, जिसमें हजारों बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस लग चुका है, और यहां खुले आम कलेक्टर के आदेशों की और साथ ही साथ एनजीटी के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं जब हमारी टीम नवनाथ आर्ट्स पहुंची, तो उनका कहना है कि हमें कोई आदेश के बारे में नहीं पता, या तो प्रशासन गलत बयान दे रहा है या फिर मूर्तिकार। वहीं जब लक्ष्मी आर्ट्स वालों से बात की गई, तो वहां भी धड़ल्ले से मूर्तियों का काम जारी था, और जिसमें हजारों की संख्या में पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बोरियां भी मौजूद थीं। मेरे पास 12 फीट की मूर्तियां हैं। नहीं सर, वो दिखती है ऐसी बड़ी मूर्ति है, 16 फीट की, और ट्राली वगैरह मिला के 16-17-18 फीट तक चली जाती है। मान के चलिए आप 90-100 लग जाए। ये अपना नवनाथ आर्ट है, बड़े भैया है गोपाल सोमे, मेन डाले रहते हैं। सर अभी तो फिलहाल अभी जो है गोडाउन के अंदर ये 300-400 मूर्ति है। और बड़ी मूर्तियाँ? बड़ी मूर्ति अपने कहते हैं इस बार अपना नया साल है, बड़ी मूर्ति का 5-6 मूर्ति का ऑर्डर है अपने, बड़े अपने 16,000 रुपये की है। अच्छा, ये होगी इसको फिर भी 500 बोली लगी होगी, 500-600 बोली लगी। 10 मूर्ति बनाइए 10 फीट की, और छोटी बनाइए 50-5 फीट 4 फीट। अच्छा, और हमारा माल महाराष्ट्र में जाते जाते दावे बनाइए 50 छोटी कितनी की कीमत? कीमत मूर्ति देख कर है काम, जैसे बैकग्राउंड की है तो 40,000 और बिना बैकग्राउंड की है तो 30,000। जैसे ये सामने जो मूर्तियाँ हैं 40-50 हज़ार की? 50 नहीं 40 के अंदर ही। 40 बिना बैकग्राउंड की ज्यादा है। थोड़ा में दिए मैंने 2 मूर्ति। जब पूरे समूचे देश भर में सभी प्रदेशों की हाईकोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद मध्य प्रदेश में अब तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगा, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी मंडी के तौर पर बुरहानपुर जाना जाता है, जहां बड़ी बड़ी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और यहां से महाराष्ट्र गुजरात तक ये मूर्तियां जाती हैं। आखिर इन प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का क्या नुकसान है, इसको लेकर पर्यावरणविद और अधिवक्ता ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जय 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 गणेश देवा, और पीओपी है जान लो। पीओपी का अगर हम देखें तो पहले जो मूर्तियाँ बैठती थी वो शुद्ध रूप से मिट्टी की बैठी जाती थी। हमारा अग्नि पुराण का एक श्लोक है जिसका भावार्थ यही है कि अगर मूर्ति अगर बैठानी है तो सबसे अच्छी मूर्ति होती है पाषाण की या धातु की, और अंत में मिट्टी की मूर्ति का विधान हमारे शास्त्र में होता है। तो धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे त्यौहारों में भी जब बाजारीकरण आया तो मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस में ले लिया। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कृत्रिम मिट्टी होती है और ये एक प्रकार का रसायन होता है, तो मूर्तियों में इसका उपयोग करना शास्त्र की दृष्टि से भी वर्जित है। तो दूसरा अगर हम देखें कि पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम नदियों में विसर्जित कर देते हैं तो नदियों की झीलों को बंद कर देता है, तो इसमें उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम रंग जो है वो केमिकल होते हैं जो कि जलीय जीव जंतुओं के लिए घातक होते हैं। तो शास्त्र दृष्टि से देखा जाए या पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बंद होना चाहिए,
एनजीटी ने भी इस पर आपत्ति ली है और उस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन बुरहानपुर में हम देखें तो मूर्तियों का एक बहुत बड़ा बाजार बुरहानपुर है, जहाँ पर धड़ल्ले से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनती हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ जब नदी में विसर्जित होती हैं तो बड़ा प्रदूषण नदियों में होता है। तो शास्त्र की दृष्टि से अगर हम अपना पर्व और त्यौहार अगर मनाने जा रहे हैं तो उसको शास्त्रीय परंपरा के अनुसार मनाना चाहिए, धार्मिक मान्यताओं को और धार्मिक जो हमारा मर्यादा है उसका ध्यान रख के हमको अपना पर्व त्यौहार मनाना चाहिए। ये मेरा सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से आम जनता मूर्तिकारों को सबसे निवेदन होगा कि मूर्ति हम 25 फीट की दिखाएं या 5 फीट की दिखाएं, 2 फीट की दिखाएं, ये हमारी श्रद्धा है भगवान में, वो मूर्ति की साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा नहीं होती, हमारी जो श्रद्धा है भगवान में, हमारी जो आस्था है वो वैसे की वैसी रहती है। अब रही बात प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो पिछले कई सालों से मांग उठ रही है लगातार, हम प्रशासन से भी बात करते हैं कि आप लोग साल भर पहले मूर्तिकारों को कहें कि वो अधिक से अधिक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना शुरू करें, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ हैं इससे बाद में हम जब विसर्जित करते हैं नदियों में, उस वजह से हमने कई बार देखा है कि जो जीव जंतु हैं, जो नदी में मछलियाँ हैं, अन्य जीव हैं, उनकी भी मृत्यु होती है और इसका डिस्पोजल जो है वो स्पीडी नहीं है, और इसकी वजह से मतलब पर्यावरण पर काफ़ी विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं जब इस संबंध में SDM पल्लवी पौराणिक से चर्चा की गई, तो उनका कहना है कि कलेक्टर मैडम ने भी मूर्तिकारों की बैठक ली थी जिसमें उन्हें सख्त निर्देश दिए थे कि POP की मूर्तियां नहीं बनाना है, बावजूद यदि ऐसा किया है तो एक बार फिर बैठक बुलाकर उन्हें समझाया जाएगा और आवश्यक हुआ तो कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जब इस संबंध में कलेक्टर भव्य मित्तल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इस बार पहले ही मार्च 2024 को मूर्तिकारों की बैठक बुलाई थी, उन्हें समझाइश दी थी, इसके बावजूद भी नहीं माने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। देखिए, POP से मूर्ति निर्माण तो प्रतिबंधित है और कलेक्टर महोदय के यहाँ से एक आदेश भी जारी हुआ है जिसमें मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर प्रतिबंधित भी किया गया है। एक बार हमने थाना स्तर पर और अनुभाग स्तर पर सारे मूर्तिकारों की बैठक भी आहूत की थी, एक बार फिर से हम सभी लोगों की बैठक आहूत करते हैं, अगर उसके पश्चात भी वो नियम के आधार पर नहीं चलते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक बार मूर्तिकारों से बात भी कर ले, उसके बाद स्पॉट इंस्पेक्शन भी करेंगे, अगर स्पॉट इंस्पेक्शन में भी अनियमितता पाई जाएगी लेंगे। हाइट के संबंध में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 के थ्रू भी जो अपने गणेश की मूर्तियां बन रही हैं उसके संबंध में आदेश जारी किया है, जिसका हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा। पिछले वर्ष भी शांति समिति की बैठक में ये सभी को अवगत करा दिया गया था कि इस वर्ष हाइट का पूरा पालन किया जाए, और इस बार भी हम पहले भी मार्च के महीने में भी एक मूर्ति जो लोग बनाते हैं उनकी बैठक ली गई है थाने में, और एक बार पुनः हम उसकी बैठक लेंगे ताकि सबको अवगत कराएं कि ऐसे कोई भी काम ना करें जिसमें बाद में आपके कार्रवाई हो। बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देश भर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियों के निर्माण करने पर रोक लगा दी गई थी, उसके बाद भी बुरहानपुर की अगर बात कर ले तो वहां धड़ल्ले से POP से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बुरहानपुर में जिस तरीके से आगामी त्योहारों को लेकर मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ है, वहीं माना जा सकता है कि प्रशासन के फैसलों पर, हाईकोर्ट के फैसलों पर अब कोई भी ध्यान नहीं है। लगातार मूर्तिकारों पर नियमों का भी कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है और इसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि करीब 15 से 25 फीट की ये मूर्तियों का निर्माण कार्य तेजी से लगातार जारी है। इसको लेकर तमाम मूर्तिकारों से भी बातचीत की गई और कहीं ना कहीं ये सामने आया कि उन लोगों को नियमों के बारे में जानकारी ही नहीं है, और ये माना जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से ये नियम बनाए गए हैं, हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, उन सभी नियमों की मूर्तिकार धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मूर्तिकारों का गढ़ माना जाता है और यहाँ देखा जाता है जिस तरीके से त्योहारों को लेकर बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण होता है, और वहीं ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। तमाम आर्टिस्ट से, तमाम मूर्तिकारों से इसको लेकर बातचीत भी की गई और उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि 15 से 25 फीट की मूर्तियों का निर्माण लगातार बुरहानपुर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो बुरहानपुर मूर्तिकारों का गढ़ माना जाता है और वहां लगातार
नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं और पीओपी से ही मूर्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। ताप्ती नदी की अगर बात कर ले तो लगातार ये भी देखा गया है कि ये जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है उनको उस नदी में विसर्जित किया जाता है और कहीं ना कहीं नदी भी इसकी वजह से प्रदूषित हो जाती है। बुरहानपुर से ये मामला सामने आया है जहां पर देखा जा सकता है कि जो हाईकोर्ट के आदेश हैं, जीटी के आदेशों हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार पीओपी के माध्यम से ये मूर्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि 15 से 25 फीट की ये मूर्तियां हैं जिनका निर्माण हो रहा है और तमाम संख्या में वहां पर पीओपी की बोरियां भी मौजूद नजर आ रही हैं। ये बड़ा सवाल माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आदेश पारित किया गया है और ये सवाल यहाँ पर उठता हुआ देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इन आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। और खास तौर पर बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पर सदियों से देखा जाता है कि मूर्तियों का निर्माण कार्य किया जाता है और इसी बीच ये भी देखा गया कि धड़ल्ले से पीओपी के माध्यम से ही मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इन सभी नियमों का उल्लंघन भी करते हुए मूर्तिकार नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से भी ये सामने आ रहा है कि जिस तरीके से पीओपी के माध्यम से ये मूर्तियों का निर्माण हो रहा है ये सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। 10 वर्षों की अगर बात कर ले तो लगातार प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है और जो मूर्तिकार हैं वो मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, किसी तरीके की भी कोई रोक इस पर लगती हुई नजर नहीं आ रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, अगर बात करें तो पूरे देश भर में यह आदेश जारी किया गया था कि पीओपी का इस्तेमाल अब मूर्तियों के निर्माण में नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर बुरहानपुर पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी ये देखा जा रहा है कि पीओपी के माध्यम से ही मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और लोगों को अभी तक नियमों के बारे में अवगत भी नहीं कराया गया है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी आकांक्षा, बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से मूर्तियों का निर्माण हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से हो रहा है, यदि हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो एनजीटी ने इसको जो है प्रतिबंधित किया है और यदि हम बात करें समूचे देश भर में तो समूचे देश भर में सभी हाईकोर्ट ने अपने अपने स्टेट में जो है इसको प्रतिबंधित किया है। यदि हम मद्रास हाईकोर्ट की भी बात करें तो वहां भी जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, यहाँ तक की मूर्तियों को भी उन्होंने वहां पर जो है जब्त करवाया है जिला प्रशासन की मदद से। लेकिन बुरहानपुर में जब हमने हमारी टीम ने जब दौरा किया तो यहाँ देखा कि मूर्तिकार कह रहे हैं हमारे पास अभी कोई ऐसा आदेश भी नहीं है, नहीं हमारे को इसकी कोई जानकारी है। जबकि प्रशासनिक तौर पर जब हमने चर्चा की तो कलेक्टर भव्य मित्तल का कहना है कि हमने मार्च महीने में ही जो है बैठक लेकर अवगत करा दिया था, लेकिन अभी तक यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसको पुनः उनकी बैठक बुलाएंगे। जी आकांक्षा, वहीं गोपाल, जिस तरीके से इसको लेकर शिकायतें भी की हैं और प्रशासन की ओर से आश्वासन भी दिया है तो क्या लगता है कि क्या कुछ अहम एक्शन इस पर आगामी समय में लिया जा सकता है? तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण पर रोक होने के बावजूद भी ये निर्माण कार्य जारी है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार पर भी इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कलेक्टर की ओर से भी अब आश्वासन दे दिया गया है कि जिस तरीके से यह आदेश जारी हुआ था और उसका पालन भी अब लगातार करवाया जाएगा। अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों की तो लगातार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनती ही आ रही हैं। यही नहीं, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनाने का सबसे बड़ा गढ़ भी माना जा रहा है और यहाँ ताप्ती नदी और अन्य स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस गंभीर मामले को लेकर जिला प्रशासन एक बार फिर मूर्तिकारों से मूर्तियां जब्त करेगा या फिर हर वर्ष की तरह उन्हें नोटिस देकर छोड़ देगा। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर के